हाय गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। आज की वीडियो में आपको पता लगने वाला है बॉय गर्ल मतलब बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। हालांकि बैलून से ना आपको पता चल चुका होगा कि बेबी क्या हुआ है। तो डेकोरेशन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मतलब ये वीडियो हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया है। एंड लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है, इसमें फेस रिवील भी मैं करने वाली हूँ बेबी का। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले बताओ डेकोरेशन कैसी लग रही है? डेकोरेशन मेरी सिस्टर ने करवाई है, वो आ नहीं पाई थी बिकॉज उस दिन फास्ट था। 27 नवंबर को हम घर पे आए थे तो उस दिन वो नहीं आ पाई थी। और इसका बेबी का वेलकम बुआ ने किया है, घर डेकोरेट मसी ने किया, तो दोनों को थैंक यू सो मच, बुआ और मसी को। एंड यहाँ पर बुआ जी कर रही हैं हमारी बेबी की वेलकम, जो कि आप देख ही रहे हो। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे में ना 40 दिन कह रही हूँ सॉरी, जब तक चोला नहीं डलता ना तब तक मंदिर में पूजा नहीं की जाती, तो इसलिए यहाँ पर जोत वगैरह नहीं चलाई थी। तो बस ना जो तेल है ना सरसों का, वो घर की जो मेन चौखट है वहाँ पर डाला जाता है, जिससे कि जो बुरी नज़र होती है वो घर के बाहर ही रहती है, अंदर तक नहीं आती है, ऐसा बोला जाता है जितना मुझे पता है। भाई मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आप में क्या कहा जाता है कैसे होता है बताइएगा जरूर। और यहाँ पर हमारी छोटी सी बेबी के लिए जा रहे हैं पैरों के निशान। खुशबू घुली थी हवा में, कलियों ने हंसना सीखा, नया रंग पाया फिजा ने, बेटी मेरी मेरा जहां, बेटी बिना जीवन सुना। तो हो गया है बेबी का वेलकम, और ये वाली फीलिंग ना बहुत ही अलग थी, बहुत ही अलग बेस्ट वाली फीलिंग थी। एंड जिस दिन हम घर आ रहे थे ना, डिस्चार्ज मिला था हॉस्पिटल से, उस दिन हल्की की बारिश भी हो रही थी और गुरपुर भी थी, और साथ ही साथ कार्तिक पूर्णिमा थी। रास्ते में बेबी को काफ़ी सारी ब्लेसिंग मिली क्योंकि ना बाबा जी की रैली वगैरह जा रही थी, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी चारों तरफ से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड घर आके बेबी का अच्छे से वेलकम हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। एंड यहाँ पर अभी बेबी को मैंने बेड पे उसका जो बेड पे बेड छोटा सा बेड लगा दिया, गद्दा वगैरह, जिससे कि बेबी कंफर्टेबल रहे, और उसको उसके पापा ने सुला दिया है। अभी हम सारे बैठ के बातें बातें करेंगे। और उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है उठने बैठने में, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। और अभी मैं जो व्लॉग है ना रेगुलर भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये है कि अभी ये टाइम मैं अपने बच्चे को दूँ और व्लॉग करूँगी ना तो थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाएगा। अगर करूँगी भी सही फिर बेबी को देखना नहीं मैनेज हो पाएगा। मुझे ये था कि थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा ना, जैसे कि 21 डेज या फिर 30 डेज निकल जाएंगे प्रॉपर से, मैं भी अच्छे से ठीक हो जाऊंगी। बिकॉज सी सेक्शन के बाद अपने आप को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कुछ टाइम के लिए, तो मुझे ये था कि प्रॉपर से अच्छे से मैं भी अच्छे से जितना टाइम है ले लूँ और बेबी को भी टाइम दे दूँ, फिर हम आराम से व्लॉग करेंगे। अभी तो जितने व्लॉग बने हुए हैं भाई मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पर हमने खूब सारी बातें की। और इस टाइम पे जिस टाइम मैं ब्लॉग कर रही थी ये वाला जो आप देख रहे हो, उस टाइम पे थोड़ा सा उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था, और इसलिए जैसे भी ब्लॉग हो पाया मैंने वैसे ही किया। तो आई होप आप मेरी जो प्रॉब्लम है समझ रहे होंगे, और बस अपनी पॉजिटिव वाइब्स देना, कोई भी बैड कमेंट मत करना, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। और यहाँ पर बेबी के साथ खेला जा रहा है, फिलहाल तो बेबी सो रही है। चलिए मतलब 40 डेज तक तो बेबी रूटीन ही नहीं होता है ना, ना सोने का ना उठने का, तो बेबी का इंतज़ार करना पड़ता है कि बेबी कब उठेगा, कब हम खेलेंगे। और बेबी तो अपना मस्त रात को ही उठती है। वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या हुआ है, बैलून्स वगैरह देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे बेबी गर्ल हुई है। आई एम सो हैप्पी, और हमारी फैमिली कम्प्लीट हो गई है। और अगर आप लोग कहोगे ना मतलब मेरे सिम्टम्स कैसे थे तो कमेंट करोगे तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। एंड ये है 6th डे का वीडियो, जिस दिन हमारी गुड़िया की थी छठी,
जिस दिन नाम रखा जाता है, और ऐसे एक बुक पे स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है और पंडित जी से लिखवाया जाता है। बट हमारे पंडित जो हैं, पंडित जी जो हैं वो करनाल के हैं, तो उनके पास तो जाना पॉसिबल नहीं था, ना वो आ सकते थे, तो इसलिए हमने उनसे फ़ोन पे ही लिखवा लिया था और हस्बैंड निकलवाए आए थे। एंड वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं क्या क्या लिखना होता है। और हमारी गुड़िया का नाम क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊँगी कि हमने क्या नाम रखा है। जिस दिन चोला डाला था ना, उस दिन उस वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी अपने बेबी का नाम क्या रखा है हमने, कि मतलब किस पे निकला था और हमने क्या रखा है। और बस बाकी तो हस्बैंड यहाँ पर जो एक हमारी बुक बनी हुई है जिसमें नन्नू के टाइम का भी छठे के टाइम पे लिखा गया था, वही वही वाली बुक में सेम हमारी गुड़िया का भी लिखा जा रहा है। वैसे तो ही पंडित जी लिखते हैं, बट पंडित जी पास में नहीं है तो हस्बैंड जो एक फ़ोटोकॉपी निकलवाया था फ़ोटोकॉपी से ही देख के लिख रहे हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद में ना जहाँ बेबी सोती है, मतलब जहाँ पर सोती है बेबी, उसके जस्ट ऊपर ही एक यही वाली बुक रखी जाती है और कुछ मीठा रखा जाता है और कुछ पैसे वगैरह रखे जाते हैं जो कि पंडित जी को दिया जाता है। यही रस्म होती है हमारे में, तो बाकी आप में कैसा होता है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और यहाँ पर मम्मी बातें कर रही है नन्नू के साथ में और नन्नू ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये देखिए हमारे में छठी कुछ इस तरीके से की जाती है, जैसे कि जहाँ बेबी सोता है ना ऊपर जस्ट उसके सर के ऊपर ही ये वाली बुक रखी जाती है पूरे, मतलब पूरी रात, और नेक्स्ट डे जाके हटाई जाती है। और इस पे कुछ जो बाँस की स्टिक होती है वो रख देते हैं और कुछ पैसे रख देते हैं जो कि पंडित जी को दिए जाते हैं, और मीठा जो कि मतलब पहले क्या नाम है बुक के ऊपर रखते हैं। और मम्मी यहाँ पे मुझे रखने के लिए देर थी, मुझे पता नहीं था और मैं खाने लगी थी, मम्मी यारी खाना नहीं है इसको रखना है, तो यहाँ पर रख दिया है। जितने भी घर में मेम्बर थे जैसे कि हस्बैंड थे, नन्नू थे, मम्मी थे, मैं थे, हम सब ने रख दिया और बाद में फिर हम सब ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर खा लिया था। तो ऐसे ही की जाती है। आप लोगों में कैसे छठी मनाई जाती है बताइएगा ज़रूर। नन्नू के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, बट नन्नू के टाइम पे नन्नू हमारे साथ में नहीं था, वो एनआईसीयू में था वो उस टाइम पे, वो सेवन्थ या एट डे में घर पे आया था, तो उसकी छठी भी मतलब ऐसे ही मनाई थी हमने घर में। तो उस टाइम तो मैं ब्लॉग नहीं करती थी ना, तो तभी बता रही हूँ आप लोगों को। तो या आप लोगों को कैसा लगा ये वाला व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब मेरी क्यूटी पाई से मिल लो, ये रही मेरी क्यूटी पाई माय प्रिंसेस। तो अभी तो फ़िलहाल ये सो रही है, बट ये कह रही है कि मेरी मम्मा की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे से मिलके कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।